पहली तस्वीर दिखाऊं जो व्यूअर्स ने भेजी है? जी दिखाएं जनाब। ये ले। वाह 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 वाह, उधर देखो जरा, तुम्हारी परजाई तो मुझे सिर्फ यही कहती है ना, मैंने तुम्हारी टांगे चीर देनी। देखो इस गाड़ी वाले की बीवी ने उसकी गड्डी चीर दी। या फिर मेरा ख्याल है कि जो पेट्रोल महंगा हुआ है ना, इसने सोचा कि ये जो टैंकी वाला हिस्सा है ना, ये काट के फेंकी छोड़ ना, रहेगी टैंकी ना डलेगा पेट्रोल, उसकी जगह उसने वो रक्षे वाला पहिया लगा ले। तो अजीज साहब वो चलाता कैसे है? पैरों के साथ। वो जायलैंड में नहीं होती गाड़ियां, वो गाड़ी बना लिया इसने। या फिर मेरा ख्याल है ये पिछला हिस्सा उतार के उसने बीवी को दे दिया, उसने सौदा सूदा लाना होता है डिगी वाली गड्डी की, उसको जरूर है। खामद ने सिर्फ दफ्तर जाना होता है, अपनी फाइल साथ वाली सीट पर रख के निकल जाता है। अजीज साहब ये देखिए एटीएम कहाँ लगी हुई है? दिखाए जी, को दरख्त पे लगी हुई। ये ले। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, देखो कैसा कच्चा पिंड है और उधर दीवार में एटीएम ठोक गया। मेरा ख्याल है इस एटीएम में कार्ड डाल लेना तो बीच में से बकरियों के पट्टे निकलते, या फिर शायद पट्टे डाले तो बीच में से बकरी निकल आती, या फिर कार्ड वाली जगह पे अगर गन्ना दे तो मशीन में से रौ निकलती हो, या शायद कोई गरीब आदमी ऊपर हाथ रखे तो अंदर से हा निकलती हो। और ना इस तरह की जगह पे एटीएम को तोक नहीं बनता। आप नेक्स्ट तस्वीर देखें, ये लें। हैं? ये कैमरा टेढ़ा करके खींची हुई है। नहीं है यार, बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा है। हाँ यार, गाड़ियां नीचे सीधी खड़ी हैं। बिल्कुल। और बिल्डिंग ऊपर से टेढ़ी हुई हुई है। ओ, ये ऑटोमेटिक बिल्डिंग है। जब किराएदार किराया नहीं ना देते तो मालिक ना जो बिल्डिंग का वो बटन दबा के बिल्डिंग टेढ़ी कर देता है, फिर सारे किराएदार अंदर तिलकते फिरते हैं, फिर जब खिड़कियों में से किराए नीचे फेंकते हैं फिर बटन दबा के वो बिल्डिंग सीधी कर देते हैं। यार बिल्डिंग का डिजाइन ही ऐसा है भाई। डिजाइन नहीं ऐसा, बिल्डिंग का हासा निकला तो वो डींगी हो गई है। तुम भी ध्यान से ऐसा करो कहीं पीछे ही खराब हो जाना। आप अगली तस्वीर देखें। ये क्या है भाई? अजीजी साहब शादी वाली गाड़ी है, टायर पंचर हो गया है, दूल्हा साइड पे बैठा है फुटपाथ पे और दुल्हन जो है वो टायर चेंज कर रही है। हाय हाय, ये होता है गंजे बंदे के साथ शादी करने का अंजाम। आई मीन बुजुर्ग बंदे से उसने शादी कर ली है, वो बेचारा परे जाके थक के बैठ गया। उसने कहा होगा बेटा टायर चेंज कर लो फिर मुझे बता दे। बेटा नहीं उसकी बेगम है यार। ओ यू मीन वो जो परे बंदा बैठा हुआ है इस लड़की का पति है? लजी ये जो सुकून से बैठा हुआ है ना, ये पति फिर करोड़पति है। चले अगली तस्वीर देखते हैं। हाय हाय हाय, ये तो कोई गुरु बिल्ली लग रही है। मेरा ख्याल है इसने आगे को 10-12 बिल्लियां रखी हुई है, इसकी बैठनी बता रही है। अच्छा। वो बिल्लियां गलियों मोहल्लों में जाके छिछड़े मांग के लाती है, जैसे ये गुरुओं ने फकीर नहीं रखे होते कितने सारे, छिछड़े कट्ठे कुठे करके लाती है। मेरा ख्याल है कोई 80% छिछड़े ये बेच छोड़ती होगी, बाकी 20% खा लेती होगी। बड़ी इनकम है इस काम में। बिल्ली को और मुझे। ये ले जी साहब अगली तस्वीर देखें। अब देखो उन्होंने आड़ू तो हैं दाबड़े में, तो कितना रंग उतरा है आड़ुओं का। अजीजी साहब ये रंग उतरा नहीं है, मस्नूई रंग कर रहे हैं आड़ुओं को। तुम ये देखो कि जिस मयार का रंग ये कर रहे होंगे वो किस कदर जहरीला और मुजरे सेहत होगा। हाय 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 हाय, यार क्या हो गया हुआ वैसे इंसान को, वो अमीर हो या गरीब, अपने पैसों के लिए देखो ये दूसरे इंसान की जान का ख्याल ही नहीं करते। बिल्कुल। अब वाकई ये जो तुमने दिखाया है ये दाबड़े में रंग मिला के आड़ुओं को जो रंग दिया जा रहा है, ये कितना को महंगा होगा या कितना को ये सेहतमंद होगा? जहरीला ही होगा, सीधा सीधा ये कपड़े को देने वाला रंग होगा वो आड़ुओं को दे रहे हैं। हद हो गई यार, कोई पूछने वाला नहीं। और मुझे किसी ने बताया कि ये लाहौर में आम होता है, आम से ये ना समझ लेना मैंगो, मेरा मतलब है कि काफी होता है, होता आड़ू ही है। ये तस्वीर देखें जी साहब। ये देखो किस कदर जबरदस्त ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, पता ही नहीं चल रहा कि ये इसका उधर चेहरा है या हमारी तरफ है। वाह जी वाह, क्या अकासी की है यार ये मसवर ने आजकल के माहौल की। आजकल तो हर इशू की शक्ल इसी तरह की है ना, पुट सिद्ध का पता ही नहीं चलता। क्या कमाल किया उसने, देखो यार खब्बी हाथ सज्जी हाथ लगा दी और सज्जी पता नहीं परे कितने लगाई हो, फोटो उधर से नहीं नजर आती। अजीज साहब बताया तो जुनैद साहब ने फरेबे नजर है।
अच्छा अच्छा वो जो ऑप्टिकल इल्यूजन क्या ऑप्टिकल इल्यूजन यही कहा मैंने ऑप्टिकल इल्यूजन आगे तस्वीरें दिखाओ अंग्रेजी ने दिखाओ मुझे सॉरी अगली तस्वीर देख लेते हैं अल्लाह फाड़ वो देखो बेचारा हाथी नहाते हुए खोरे में तिलक गया हाँ मेरा ख्याल है सुंड के साथ साबुन पकड़ने लगा था और पैर तिलक गया नाइया नाइया कर रहा था ना गर्मी बहुत है अल्लाह माँ अरे हाथी को तो बहुत ही गर्मी लगती है हाँ हाँ हाथी के कपड़े मोटे होते हैं यार तुम हंस रहे हो कभी तुम बैठे हो हाथी पे सैर करने के लिए कितनी सख्त मोटी और मजबूत कमीज पहनी होती है उसे और इस कमीज को दो बड़ी बड़ी जेबें भी लगी होती है कौन सी जेबें यार वो जिनको तुम बड़े बड़े कान समझते हो वो जेबें होती हैं इसकी देखो टके की इनकम नहीं और जेबें इसने मलक रही आई वाली लगवाई है एक दफा एक डाकू ने पकड़ लिया ना हाथी को निकाल तो जो कुछ है कान अगे करके कहता है मैल निकाल लो अजीज साहब अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने लगी ना वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी दिखाओ ये रहा वो क्या है जी ये देखें है? गेस करें कौन है ओबामा की शक्ल का खुसरा हाय खोलो वे नाटो सप्लाई और वो नीचे देखो सची मुची का ओबामा भी है जी मेरा ख्याल है इस ओबामा को खुसरे की फोटो दिखाई है तो उसकी हंसी निकल गई है यार ये तो सेम टू मी सेम टू मी दिस इज खुसरा एंड सेम टू मी ये तस्वीर देखें अजीज साहब आप वाह जी वाह देखो यार ये बुजुर्ग कितने समझदार हैं ये कोई नून लीग के नहीं है ये लाहौर की फोटो है इस बाबे के पास लाइसेंस नहीं है उसने बड़ा सारा लाइसेंस आगे टांग लिया रोको कौन रोकता है मुझे जिस तरह साफ ही नहीं अपने स्कूटर के ऊपर प्रेस की प्लेट लगा लेते अब देखो ना जिसके पास इस तरह की प्रेस की प्लेट होगी उसको किसने रोकना है नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह